मुरादाबाद के जिला अस्पताल में आज 10 अक्टूबर को विश्व मानसिकता के उपलक्ष्य में एक बेहद मानसिक रोग शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कैंप स्वस्थ मिशन के तहत 22 नंबर कमरे में लगाया गया है। उक्त कैंप में जिला अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने प्रतिभाग लिया। जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित जिला अस्पताल में लगे मानसिकता शिविर में सैकड़ों लाभार्थियों ने अपने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराकर स्वस्थ लाभ उठाया। इस अवसर पर स्वस्थ शिविर में फिजिशियन डॉक्टर और आर्थोपेडिक डॉक्टर, स्किन डॉक्टर के अलावा दिमाग की परेशानी से परेशान मरीजों के लिए भी डॉक्टर उपलब्ध रहे। इस अवसर पर अन्य समाज सेवी भी उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर भारत भूषण, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में। आज सर ये कैंप क्या कराया हुआ? मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल परिसर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और SIC मैडम संगीता गुप्ता मैडम यहाँ पर उपस्थित रहे। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारी NCD की टीम, तम्बाकू की टीम और जितने भी हमारे अन्य विभाग हैं, डॉक्टर रामकिशोर सर, डॉक्टर श्रीवास्तव सर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, इसमें कि हम लोगों को जागरूक करते हैं किस तरीके से आज के परिवेश में मानसिक स्वास्थ्य की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई है। हम देख रहे हैं कि लोग आज स्ट्रेस में हैं, न्यूक्लियर परिवार हो गए हैं, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, किसी समस्या किसी शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे पूरे विश्व में बढ़ रहा है और आगे आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ सकता है। इसी के लिए हर जिले में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हमारे मानसिक स्वास्थ्य की टीम होती है और हमारी जितनी भी CSCs हैं वहाँ पर भी हमें कार्यक्रम चलाते हैं। मानसिक रोगी कई तरीके होते हैं? मानसिक रोगी अगर हम शुरुआत से अगर लें तो अगर कोई व्यक्ति है जिसमें थोड़ा डिप्रेशन आ गया है, उसका काम करने में मन नहीं लग रहा है, वो और लोगों से बात नहीं कर रहा है, उसकी नींद ठीक नहीं हो रही है, अगर वो खाना अपना ठीक से नहीं खा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन से खा रहा है। इसी का अगर हम तुरंत इलाज नहीं करेंगे तो ये चीज़ आगे बढ़ के फिर सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी में परिवर्तित हो जाती है। कुछ लोगों का एक्सीडेंट के द्वारा मानसिक रोग अलग हो जाता है, उसमें क्या करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है ये किसी का व्यक्ति का किसी तरीके का अगर चोट उसको लगती है, कोई भी ट्रॉमा होता है, चाहे वो हेड इंजरी हो, उसके बाद भी ये देखा गया है कि ये लक्षण मानसिक के उस व्यक्ति में आ सकते हैं। और हेड इंजरी के बाद तो हमने देखा है कई व्यक्तियों को कि हेमिपैरेसिस जो लकवा मारने की बीमारी होती है वो भी हो जाती है, लोगों की आवाज़ चली जाती है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर ट्रेंड स्टाफ है और सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि ऐसे मरीजों को भी जिला अस्पताल जरूर भेजें ताकि उनका इलाज समय पर हो। जिस सूत्र से पता लगाया कि ऐसे मरीज ठीक नहीं होते हैं बताया गया? नहीं, इसमें देखिए अगर व्यक्ति लगातार दवाइयाँ लेगा तो उसका, जैसे आपको मालूम है कि अगर कोई एपिलेप्सी है तो अगर दौरा बंद होने के बाद भी कम से कम 3 साल उसको दवाई खानी जरूरी होती है, तो इसलिए इलाज इसमें लंबा चलता है। तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसमें लगातार अपना दवाइयों को सेवन करें, सारी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं और जब तक डॉक्टर सलाह दे तब तक इसका इलाज जरूर करें, अपनी मर्जी से दवाइयाँ खाना बंद ना करें।